हूँ। और से तो से आगे डालने वाले बोला रहे हैं जी। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, धनीपुर से हूँ मैं। और रोड के बारे में तो ये कहूँगा कि योगी सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि रोड जो है गड्ढा मुक्त होंगे। गड्ढा रोड के बंद कराए भी, लेकिन पहली बारिश हुई गड्ढे फिर योगे तो हो गए। और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि रात में अगर बंदा आता है गाड़ी लेके और लाइट कम काम करती है तो जान मान का खतरा है। हाँ, मैं ये छोटे मोटे रोड की बात नहीं कर रहा, ये नेशनल हाईवे है, जीटी रोड, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अभी यहाँ से लेके दिल्ली तक चले जाओ, बहुत सारे गड्ढे हैं। टोल भी वसूलते हैं, उसका कोई मतलब बेनिफिट नहीं दे रहे हैं? नहीं 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 नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है, टूल ही वसूला जा रहा है। बाकी अभी मैं आपको इतना बड़ा गड्ढा दिखाऊंगा कि हाईवे पे पुल पे ही है, इतना बड़ा गड्ढा है कि उसमें बस के बस, रोडवेज के रोडवेज घुसी चली जाएगी। प्रशासन ने शुरू में योगी सरकार जब बनी तो अच्छा काम किया, गड्ढे मुक्त सड़क कराई। कराने के बाद पहली बारिश में ही ऐसे मालूम पड़ी जैसे कागज के ढेर लगा दिए हों और तुरंत बह गए पहली बारिश में ही। हाईवे का हाल ये है कि उसमें इतने तगड़े गड्ढे हैं कि अगर बस की बस नीचे चली जाए तो मालूम नहीं पड़े कहाँ गई। पोल प्रशासन की पहली बारिश ने ऐसी पोल खोल दी है, जो किया था मालूम पड़ रहा है कि कुछ नहीं किया अभी तक। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।